गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के जश्नों के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल 2 चलाया है, जिसका उद्देश्य आपराधिक और समाज विरोधी तत्वों की खोज करना और समूचे राज्य में से शकी लोगों को काबू करना है, जिससे ऐसे व्यक्तियों की पूरी तरह शिनाख्त की जा सके। पंजाब पुलिस द्वारा ऑपरेशन ईगल 2 के तहत एडीजीपी राम सिंह के नेतृत्व में लुधियाना के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी करके और तलाशी लेकर सर्च अभियान चलाया गया। जो ऑपरेशन ईगल पूरे पंजाब में चलाया जा रहा है, हर जिले में ये ऑपरेशन ईगल 2 के नाम से चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्पेशलाइज्ड फोकस चेकिंग की जा रही है, जिसमें होटल सराय की चेकिंग, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चेकिंग, एंटी सबोटेज टीम के साथ गजेटेड ऑफिसर की सुपरविजन में ये चेकिंग की जा रही है, और बड़े बड़े वॉन्टेज पॉइंट पे हाईटेक नाके, स्ट्रांग नाके लगा के एक गजेटेड ऑफिसर की सुपरविजन उस नाके पे डिप्यूट करके एंटी सोशल एलिमेंट और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत ये ईगल 2 ऑपरेशन आज चलाया जा रहा है। 26 जनवरी भी नज़दीक है और इस तरह के ऑपरेशन पंजाब पुलिस की तरफ से रूटीन में रेगुलरली चलाए जा रहे हैं, तो 26 जनवरी एक एंगल है। अदरवाइज भी आगे भी इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस का कमिटमेंट है कि लोगों को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देने का। एंटी सोशल और क्रिमिनल्स के खिलाफ पंजाब पुलिस की जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत ईगल 2 आज हो रहा है। इसी तरह आने वाले दिनों में भी ऑपरेशन चलते रहेंगे। अब पंजाब में ऑपरेशन ईगल 2 के तहत जनता को एक सुरक्षित माहौल दिलाने की पुलिस प्रशासन पुरजोर कोशिश में लगी है।